नमस्ते इंडिया, आप लोगों का कश्मीर डायरी में स्वागत है। आज मेरा जम्मू कश्मीर वैली में मेरा 16वां दिन है और मैं उरी से निकला मॉर्निंग में, लगभग 12 बज गई थी और वहां से मैं पाजी के साथ बारामूला आया। लगभग एक घंटा लग गई मात्र 45 किलोमीटर की दूरी सफ़र करने में। उसके बाद मुझे बारामूला से बस मिली से अभी हम हंडीवाड़ा बस स्टैंड में है। देखिए सामने में हमारा हंडीवाड़ा बस स्टैंड। वैसे मैं जब बस से आ रहा था तो एक मुझे बहुत भले इंसान मिले थे, वो बोले कि तुम्हें तो कुपवाड़ा के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी, तुम हंडीवाड़ा बस में क्यों चढ़ गया, तुमको अब डबल भाड़ा लगेगी। तो देखिए ऐसे लोग मिलते हैं जो हमेशा आगे आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। वैसे तो मैं आ गया यहाँ तक मात्र 30 किलोमीटर ही यहाँ तक आने में और इसका किराया मात्र 40 रुपया लगा। और यहाँ से बेंगस वैली जाने के लिए दो रास्ता है, या तो कुपवाड़ा होते हुए या तो डायरेक्ट बेंगस वैली के लिए। तो अभी पता करते हैं कि बेंगस वैली जाने के लिए हमें बस मिलती है या टैक्सी मिलती है। अगर बस मिलती है तो आसानी से हम बस में पहुंच जाएंगे। और अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, इधर तो लेट में नाइट होती है तो हम इसको दोपहर के 3 ही बोल सकते हैं। वैसे तो हमारा हंडीवाड़ा का बस स्टैंड बहुत बड़ी है और यहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट लगती है। और देखते हैं, हमारे पास तो अभी रोटेन गैस ख़त्म हो चुकी है तो देखते हैं रोटेन गैस खरीदते हैं और उसके बाद हम लोग बेंगस वैली की ओर जाते हैं। देखिए सामने में हंडीवाड़ा बस स्टैंड में हमको ये भाई लोग मिले, ये सारे के सारे हमारे हंडीवाड़ा के हैं और ये हमको सजेस्ट कर रहे हैं कि तुमको बेंगस वैली जाने के लिए छोटी गाड़ी मिलेगी, उधर बस नहीं चलती है, ऐसे बतला रहे हैं। वैसे आपका नाम क्या है भाईजान? मेरा नाम जावेद। जावेद, आपका? मेराज। मेराज, आपका? अल्ताफ। अल्ताफ, आपका? वहीद। और आपका? फिरदौस। फिरदौस, और आपका? फिजोर अहमद। जो हो रहमद। तो देखिए, अगर आप कश्मीर वैली घूमने के लिए आते हैं तो ऐसे बैक एरिया में ऐसे लोग मिलते हैं जो मदद करने के लिए हमेशा आगे आ जाते हैं। तो आप लोग भी श्रीनगर और गुलमार्ग घूम के वापस घर मत चले जाइए, इधर आइए हंडीवाड़ा की ओर, कुपवाड़ा की ओर आइए। जिस प्रकार से मैं आज उरी से घूमते हुए कुपवाड़ा की ओर आ रहा हूँ, बेंगस वैली की ओर जा रहा हूँ, तो आप लोग भी इस एरिया में घूमने के लिए आइए। सारी फैसिलिटी है हमारी, छोटी छोटी टैक्सी भी चलती है, सुमो भी चलती है और बस की भी सुविधा है। और हमारा इस ओर मैदानी इलाका ही है और रास्ते में हमें मिल गए सेव के पेड़ बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिले। रात में इस ओर ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं। वैसे हंडीवाड़ा से मैं बस पकड़ के कुपवाड़ा पहुंच चुका हूं और हंडीवाड़ा से बेंगस वैली, लेकिन मैं उछलना के 20 किलोमीटर दूर कुपवाड़ा में आ चुका हूं और मैं इस ओर से घूम के मैं बेंगस वैली की ओर जाने वाला हूं। कुछ काम था हमारा कुपवाड़ा में के लिए और सामने में देखिए हमारा बस स्टैंड और छोटी सी बस स्टैंड है हमारा कुपवाड़ा का है। सामने पहाड़ियाँ ओढ़िया है और इस ओर का लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है। जैसे ही हंडीवाड़ा से हम लोग निकले, बहुत खूबसूरत खूबसूरत खेत देखने के लिए मिल रहे थे, पहाड़ी नुमा घर देखने के लिए मिल रहे थे, पहाड़ियाँ देखने के लिए मिल रहे थे। और यहाँ पे आपको टाटा सुमो सब देखने के लिए मिल जाएंगे। टाटा सुमो सब इधर ज़्यादा चलती है हमारी और बस भी आगे चलती है। वैसे कुपवाड़ा बहुत बड़ी सिटी है और यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट लगती है और बहुत सारे दुकान वकान देखने के लिए मिल रहे हैं। सारी सुविधा आपको कुपवाड़ा में मिल जाएगी। हंडीवाड़ा से बहुत बड़ी सिटी है हमारी और ये हमारा मेन रोड है हमारा, ये कुपवाड़ा का। देखिए सामने पे यहाँ पे हैशटैग कुपवाड़ा लिखा हुआ है और यहाँ पे लोगों को बैठने के लिए देख रहे हैं कैसा बनाया हुआ है, शेर की तरह बनाया हुआ है। और सामने में हमारा हाईवे है और इस पर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ दिखाई दे रहे हैं। सामने में यहाँ पे हमारे एक मस्जिद भी दिखाई दे रही है और देखिए जंगल कैसा है हमारा कुपवाड़ा का, और इस पर पूरे के पूरे जंगल है। देखिए सामने में, सामने में हमारा नदी बह रही है, देखिए सामने में इस पर। और वास्तव में कुपवाड़ा का मौसम अभी खुशनुमा है, गर्मी का तो एहसास नहीं हो रही है, ना ठंड का एहसास हो रही है, हल्की सी पहाड़ी नुमा है। और कुपवाड़ा देखा जाए तो एक डिस्ट्रिक्ट है ये कुपवाड़ा हमारा, और इसके बाद से हमारा इधर बॉर्डर पड़ जाती है
7-8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है हमारा कुपवाड़ा का। लेकिन पहाड़ के ऊपर बर्फ तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, बस बादल छाए हुए देखिए, सब और बादल छाए हुए इस ओर। तार माया निकी निकी गलावे होते तोर से आना घर माया के सावे सर माया निकी निकी गलावे होते तोर से आना। वैसे अभी शाम के 7:30 बज चुके हैं और कुपवाड़ा में लगभग दुकान उकान बंद हो चुकी है, मार्केट बंद हो चुकी है और लगभग 8 बजे तक दुकान बंद हो जाती है, पूरा सुनसान हो जाती है। वैसे कुपवाड़ा सिटी में मेरा रूम से देखिए बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है और पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं। आज तो मेरा कुपवाड़ा में दूसरा दिन है और कल शाम में भी बादल छाए हुए थे और बारिश हो रही थी, आज भी वैसे ही मौसम है हमारा कुपवाड़ा का। वैसे कुपवाड़ा में वैसा होटल का ऑप्शन नहीं है, आपको होटल तो मिल जाएंगे 4-5 को, लेकिन आपको वैसे सुविधा नहीं मिलेगी और बहुत पुराने मॉडल के होटल्स हैं, इसलिए आप हंडीबारा में गुरुद्वारा में रुक सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे अगर लंगर मिलती है तो लंगर में भी खा सकते हैं और सस्ते में हंडीबारा में रुक सकते हैं और हंडीबारा से आराम से आप कुपवाड़ा आ सकते हैं और कुपवाड़ा में आप मैंगस वैली के लिए तो परमिट नहीं लगता है, लेकिन किरण वैली के लिए परमिट लगता है, तो आप एक साथ इस दोनों क्षेत्रों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और किरण वैली के लिए आप परमिट ले सकते हैं डीसी ऑफिस में, जो हमारा कुपवाड़ा डीसी ऑफिस में ही मिलती है। इसीलिए मेरा मेंटालिटी है, मेरा सोच है कि अगर आप इस ओर आते हैं और एक दिन स्टे करना चाहते हैं कुपवाड़ा में, तो आप हंडीवाड़ा के गुरुद्वारा में स्टे कीजिए, आपको सस्ता भी पड़ेगी और बेहतर होगी, क्योंकि कुपवाड़ा तो सुंदर सिटी है लेकिन होटल के मामले में उतना डेवलप नहीं है इस क्षेत्र में, क्योंकि बहुत कम टूरिस्ट आते हैं इस ओर। सुबह के अभी 7:30 हैं और सारे के सारे दुकान अभी तो बंद है, खुले नहीं हैं, लेट में खुलते इधर दुकान हमारी और कुछ गाड़ी चलने लगी है। वैसे कुपवाड़ा में थोड़ी सी ठंड है और मुझे रात में इनर पहन के सोना पड़ा और अभी भी मैं इनर ही पहना हूँ तो भी गर्मी नहीं लग रही है, और शाम में मैं जब इनर नहीं पहनना था उस समय थोड़ी सी ठंड लग रही थी, तो गुलमर्ग के बाद मुझे सबसे ज़्यादा ठंड हमको कुपवाड़ा में ही लगी। कुपवाड़ा हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है और इसकी जनसंख्या लगभग 8,75,000 ही है और इस ओर हमारा कश्मीरी लैंग्वेज ही बोला जाता है और बहुत सारे गांव हैं इस ओर हमारे, इस कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमारे बहुत सारे गांव हैं, लगभग 350 गाँव हैं। और सामने देखिए हमारा मेन रोड है कुपवाड़ा का, मेन सिटी है, यहाँ पे बहुत सारे दुकान उकान आपको मिल जाएंगे और सारी व्यवस्था इसी मेन रोड में ही है, आपको बस छोटी सी यहाँ से यहाँ तक की है। सुबह सुबह मैं कुपवाड़ा सिटी में टहल रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और मौसम एकदम बिल्कुल खुशनुमा है, सुहावना है। सुबह सुबह हमारे बस स्टैंड का नज़ारा चहल पहल आ गई है हमारे बस स्टैंड में, ये देखिए हमारे कुपवाड़ा के कुत्ते, ये कुत्ते कम शेर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे पहाड़ी कुत्ते होते हैं जो वास्तव में शेर की तरह पूरी तरह से दिखाई देते हैं। देखिए कल शाम में कितनी भरी हुई थी ये हमारी रोड और अभी मॉर्निंग में बिल्कुल खाली है। अभी हम लोग एक पहाड़ के ऊपर चढ़ चुके हैं और पहाड़ से हम लोग कुपवाड़ा सिटी को देख रहे हैं, देखिए कितनी छोटी सी है हमारी, सारे के सारे टिन के छत दिखाई दे रहे हैं और इस ओर भी देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी कुपवाड़ा सिटी। वैसे किरण वैली जाने के लिए हमें परमिट लगती है जो हमारी कुपवाड़ा के डीसी ऑफिस में मिलती है, इसीलिए अभी हम डीसी ऑफिस पहुँच चुके हैं, अभी मॉर्निंग के 9:30 बज चुके हैं और लगभग 10:30 हमें डीसी ऑफिस में परमिट मिल जाएगी। और सामने हमारा डीसी ऑफिस है, डीपी ऑफिस में आए तो डीसी ऑफिस वाले गार्ड बोले कि तुम सीधे करालपुरा चले जाओ, सारा जिम्मेवारी
वहाँ के एस एच ओ को दे दिया गया है और वहाँ से तुम बंगस वैली और किरण वैली जा सकते हो। तो देखिए फालतू का आ गया आधा घंटा इधर, वरना सीधे निकल जाते हमारे सरालपुर रहने के लिए। लेकिन डीपी ऑफिस में भी ये परमिशन देना चाहिए, कुछ यहाँ भी ले सकते हैं कुछ वहाँ भी ले सकते हैं। मेरा समय फालतू का चला गया। चलिए चलते हैं अभी हम लोग करालपोरा के लिए। सामने ही हमारा ये पुल है, ये है रानीपोरा शायद, और यहाँ पे बस खड़ी हुई है। यहाँ से हमें करालपोरा जाने के लिए बस मिल जाएगी। अभी एक जस्ट रुकी हुई है और ये अभी पूरी तरह से खाली है। ये हमारी बस कोरापुर जाने के लिए। वैसे 30 रुपया में हम कोयलपुरा पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमें टाटा सुमो में आगे जाना पड़ेगा। वैसे मुझे टिटवाल और किरण वैली के लिए परमिशन मिल गई एस एच ओ से, जहाँ पे पुलिस स्टेशन है। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ अभी बंगस वैली के लिए। बस मुझे परमिशन लेने में उसका दिक्कत ज़्यादा नहीं हुई, बस 10 मिनट में मुझे परमिशन मिल गई। और फॉर्म भरने में और जेरोक्स कॉपी निकालने में लगभग 5-5 फीस लगती है हमें जेरोक्स का। तो उसका मिला के मेरा लगभग 90 रुपया खर्चा हुआ है यहाँ पे। और ब्यूटी है ना, आ बनवा। अभी मैं चौकी में हूँ, सामने देखिए यहाँ पे चौकी है और छोटी सी हमारी मार्केट है। और मैं यहाँ तक 30 रुपया दे के कोयलपोरा से यहाँ तक पहुँचा हूँ। और यहाँ से मैं बंगस वैली नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ का परमिशन हमको नहीं मिला नाइट स्टे के लिए। तो मैं टिटवाल जा रहा हूँ, यहाँ पे हमारा इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, हमको टिटवाल का परमिशन मिल चुका है और साथ में किरण वैली का भी परमिशन मिल चुका है। लेकिन हमारा इस थाना क्षेत्र में बंगस वैली का एरिया नहीं पड़ता, इसीलिए वहाँ का हमको परमिशन नहीं मिला नाइट स्टे के लिए। तो आपको अगर बंगस वैली में नाइट स्टे करना है, कैंपिंग करना है, तो आपको जो डी सी ऑफिस कुपवाड़ा थे आपको परमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप बंगस वैली में स्टे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से बस का वेट कर रहा हूँ। वैसे तो यहाँ पे हमारी टैक्सी भी जाती है लेकिन सारी के सारे भरी हुई है। और आपको श्रीनगर से भी टिटवाल जाने के लिए टैक्सी सुमो मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। लेकिन वहाँ के लिए परमिशन आपको श्रीनगर से मिलने की उम्मीद है लगता है हमको, वैसे तो उतना आइडिया नहीं है। अगर नहीं मिलती है परमिशन वहाँ से श्रीनगर से, तो आपको कुपवाड़ा आना ही पड़ेगा और यहीं से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। नहीं तो कोयलपोरा में है वहाँ पे पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे आप परमिशन ले सकते हैं, तभी इन क्षेत्रों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, नाइट स्टे कर सकते हैं। वरना आप घूम के नहीं आ सकते, आप फिर से घूम के वापस जा सकते हैं, ऐसा स्थिति है इस ओर। बस के वेट में हम बैठे हुए हैं एक दुकान में और दुकान के मालिक मेरे जिम्मेवारी छोड़ के जुमा का नमाज अदा करने के लिए गए हैं। और कब तक आएगी बस या नहीं आएगी कोई पता नहीं है। और लगभग हमको लगता है यहाँ से 3 घंटा तक का सफ़र है। अगर बस नहीं आती है तो क्या होगा मेरा पता नहीं, देखते हैं उसके बाद आगे का प्लानिंग कैसा होगा अगर बस नहीं आएगी तो। वैसे सामने में यहाँ पे हमारी बंगस वैली करके एक रिजोर्ट है, वहाँ पे कैंपिंग साइट, अगर आप इधर आते हैं बंगस वैली तो वहाँ पे भी कैंपिंग साइट है, वहाँ पे रह सकते हैं। अभी बोला जा रहा है कि बंगस वैली में हमारा बर्फ है आधा, और आधा अभी बर्फ पिघल चुकी है। तो हम लोग पहले किरण वैली एक्सप्लोर करेंगे, टिटवाल एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद बंगस वैली एक्सप्लोर करेंगे। अभी हमें इस एरिया में और 4 दिन रुकना है और बारिश होने वाली है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, मौसम बहुत खुशनुमा है अभी।